ये कब बना था? हाँ, ये लगभग हो गए हैं, कम से कम 6 साल हो गए। किस नीति से बना था ये? हाँ, कौनी नीति से बना रहा है? कौनी नीति से बना रहा है? जिला पंचायत की विधायक? जिला पंचायत से कौन बनवाया था? जिला पंचायत जो कोई रहता था। ये जिला पंचायत नीति से कभी बनाया गया था जिम्मेदारों के द्वारा, अब उसके बाद ये किसी ने ध्यान इंगित नहीं किया। ये जिला पंचायत से कई वर्ष पहले बना था, जो अब ये अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा है और लोगों को बीमारियों से खतरा मंडरा रहा है। देख रहे हैं कि आपका अपना चैनल हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूँ प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये कस्बा रेउसा की बाजार गली से है, जो मेन अटल चौक बनी है और हाईवे रोड से संपर्क मार्ग अंदर की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये जलभराव लोगों को दिक्कत दे रहा है और काफ़ी लोग इससे परेशान और आजिज हैं। लेकिन किसी भी प्रधान या मतलब जनप्रतिनिधि या का ध्यान इंगित नहीं हो रहा है, और आए दिन इस जगह पर जलभराव होता है, लोगों को इस कीचड़ का दंश झेलना पड़ता है। जबकि स्कूल भी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और मेन गली का ये रास्ता है, लेकिन आज तक किसी भी ग्राम प्रधान या तत्कालीन से लेकर अब तक किसी का ध्यान इंगित नहीं हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं, ये बानगी भर के लिए है। और पुरानी बस्ती वीआईपी नगर में काफ़ी इसी तरीके से लोग दंश झेल रहे हैं। थोड़ी सी बरसात होने पर लोगों की दुकानों में पानी भर जाता है, उलझते और ट्यूबवेल चलाकर निकलते नज़र आते हैं। और कई वर्षों से ये जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कई बार लोगों ने शिकायत भी की प्रधान से, लेकिन प्रधान के कानों में जुआ नहीं रेंग रहा है और जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर। और वहीं पर आपको बताते चलें कि ये तस्वीर यहाँ के ग्राम प्रधान उनकी पोल पट्टी को खोलती है, किस कदर से वो अपनी जनता के प्रति साजिंदा हैं। जबकि सरकार का नियम है, कानून कायदे हैं कि तत्काल कहीं जल भराव नहीं होना चाहिए, और विकास के लिए ग्राम निधि से काफ़ी पैसा स्वीकृत करती है, उसके बावजूद भी ये आलम है यहाँ के प्रधान की पोल पट्टी को ये तस्वीर खोलती है। और कई वर्षों से जल भराव हो रहा है, लेकिन उनके आँखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। और कई बार इस बाबत जागरूक भी किया गया, सूचना भी दी गई स्थानीय व्यापारियों से लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी ये आलम है और काफ़ी लोग परेशान हैं। ये कितने दिनों से जलभराव होता है? देखो चचा, ये आए हैं और किनारे किनारे आए हैं। लगभग कितने वर्षों से होता है जलभराव? लगभग कई साल हो गया होगा? 5-6 साल से हो रहा है। क्या नाम है आपका? तो इसके बारे में प्रधान से बातचीत नहीं की? जबकि पैसा तो बराबर आ रहा है खाते में, है भी। जैसा कि देखा कि अब इनसे बात करते हैं, ये हमेशा इसी तरीके से झाड़ू लगाते हैं और काफ़ी सुबह आते हैं। ये लगभग कितने दिनों से जलभराव होता है? 5 साल से। तो इसके बारे में क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? जैसे कौन कौन दिक्कत है? हाँ, इस जलभराव से क्या क्या लोगों का दिक्कतें हैं? दिक्कतें हैं, रास्ता बंद है, आने जाने का रास्ता बंद है, और बहुत कुछ है। अगर इधर नहीं कराई दें तो आदमी जैसे पानी नहीं क्या रुकेंगे? क्या समस्या है? तो क्या समस्या, किस वजह से? नाली नाला गंदगी फैल रही है, पानी भरा है। अच्छा, जस क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? संतराम। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बोले कि काफ़ी इस जलभराव से बीमारी फैल रही है, लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं, और आए दिन स्कूली बच्चे भी इसमें अच्छी पोशाक घर से निकलने के बाद वो गिर पड़ते हैं और ख़राब हो जाती है। लेकिन तो इसके बारे में प्रधान से कोई बातचीत नहीं की? प्रधान से बात क्या करेंगे, प्रधान जो है वो अपने जैसा किया जा सकता है, हमारी उपाय
जैसा कि ऐसे ये हालात हैं कि यहाँ के लोग बोले कि प्रधान से कई बार बात की गई लेकिन वो अपना देखें कि दूसरे का जनता को देखें, ये आलम है यहाँ के प्रधान किस कदर से साजिंदा हैं। इस तत्कालीन से लेकर अब तक एक भी किसी का ध्यान इंगित नहीं हुआ और काफ़ी कई वर्षों से, कई साल से हो रहा जल भराव, लोग सचा रहे हैं, काफ़ी शायद याद नहीं है लेकिन 4-5 साल से ये जल भराव हो रहा है, लोग दंश झेल रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान और आजीज हैं इस जल भराव से। कई बार शिकायत भी की लेकिन ना तो स्थानीय ब्लॉक के अधिकारियों का, ना तो यहाँ के ग्राम प्रधान का, ना तो सेक्रेटरी का, किसी का भी ध्यान इंगित नहीं होता, जबकि सरकार के नियम और कानून कायदे हैं कि कहीं भी जल भराव ना होने पाए, बीमारी से लोगों को निजात मिले, लेकिन सेम उसका उल्टा नज़ारा देखने को मिला है यहाँ के खंड का सरकारी ब्लॉक रेवसा में जिम्मेदारों के और वहीं पर जो है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरियों का, किसी का भी ध्यान इंगित नहीं हो रहा, ये आलम है जल भराव की।